हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल विद पलक। आज हम एक्सप्लोर करेंगे करोल बाग के मंडे मार्केट को। अगर आप करोल बाग की वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि करोल बाग पटरी मार्केट सिर्फ मंडे को ही लगता है, दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक, और बाकी डेज में भी मार्केट लगता है। मोस्टली सारी शॉप्स ओपन रहती हैं, इसीलिए लिमिटेड स्टॉल्स ही लग पाते हैं। मेट्रो और बस दोनों से आप यहां आ सकते हैं। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन करोल बाग है। स्टेशन के गेट नंबर 2 से एग्जिट करेंगे तो नीचे से ही मार्केट स्टार्ट हो जाता है, और मार्केट बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है, एक स्ट्रेट सिंगल लाइन में मार्केट लगता है अजमल खान रोड पर। तो चलिए देखते हैं इस बार मार्केट में क्या क्या स्पेशल होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। मार्केट में आगे बढ़ेंगे तो आपको 150 रुपीस वाला टॉप्स का कलेक्शन मिलेगा। इनमें बोथ मीडियम और लार्ज साइजेस हैं, और इन्हीं में ही बीच बीच में आपको शर्ट लुक में भी टॉप्स मिलेंगे, क्रॉप टॉप्स भी हैं इनमें। जो थिक फैब्रिक में टॉप्स हैं उनके अंदर लाइनिंग नहीं है, लेकिन जो जॉर्जेट में है उन सब में आपको अंदर लाइनिंग मिलेगी, और वो भी अच्छी क्वालिटी में। और 150 रुपीस ईच में बस टॉप्स ही नहीं है, कुर्तियाँ भी आपको मिल जाएंगी मीडियम और लार्ज साइजेस में। स्मॉल साइजेस इनमें नहीं है, इनका मटेरियल थोड़ा लाइट है और स्ट्रेट फिट में भी है। और अगर आपको फ्रॉक स्टाइल में चाहिए तो उनमें भी आपको कुर्तियाँ मिल जाएंगी, और इस तरह लाइट एम्ब्रॉयडरी में भी कुछ डिज़ाइंस हैं। फिर उसके बाद आते हैं कप्स और मग्स के कलेक्शन में। स्क्रीन पर आप जो मग्स देख रहे हैं वो सारे 50 रुपीस ईच हैं, इनमें भी बहुत सारे डिज़ाइंस हैं। और फिर आपको कुछ 100 रुपीस वाले भी मग्स मिलेंगे। 100 रुपीस वाले जो मग्स हैं वो 50 रुपीस वाले मग्स के अकॉर्डिंग क्वालिटी में ज़्यादा अच्छे हैं, और बिगर साइजेस में भी हैं। और उसके अलावा आउटर प्रिंट की जो क्वालिटी होती है वो भी इनमें अच्छी है। उसके बाद फिर 50 रुपीस में आपको सॉफ्ट टॉयज़ मिल जाएंगे स्मॉल स्मॉल साइजेस में। और उसी के साथ ही एक और स्टॉल भी है जहाँ पर 100 रुपीज़ में आपको बिग साइज़ में प्लशीज़ मिलेंगे। जो 100 रुपीज़ वाले हैं वो 50 रुपीज़ के कंपैरिजन में साइज़ में तो बिगर हैं ही, और ज़्यादा सॉफ्टर और क्लीनर भी हैं, क्योंकि जो 50 रुपीज़ वाले हैं उनमें थोड़े थोड़े स्पॉट्स हैं, लेकिन 100 रुपीज़ वाले काफ़ी अच्छी कंडीशन में हैं, तो आप चाहें तो इन्हें किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। और अब रक्षाबंधन आने वाली है तो आपको राखीज भी चाहिए होंगी, तो आप यहाँ से राखी भी ले सकते हैं। और कैप्स हैं 150 रुपीज़ ईच में, बच्चों की इनमें नहीं है, बाकी गर्ल्स और बॉयज़ दोनों इन्हें कैरी कर सकते हैं। उसी के साथ में ही 100 रुपीज़ ईच में स्टॉल्स का कलेक्शन है। कॉटन मटेरियल में तो आपको इनमें स्टॉल्स मिलेंगे ही, साथ ही साथ सिंथेटिक मटेरियल में भी है, प्लस इनकी लेंथ और ब्रेथ दोनों अच्छी हैं, और डिज़ाइंस भी अनकॉमन है, यूनिक है। और 150 रुपीज़ ईच में आपको थोड़े शाइनी टेक्सचर में स्टॉल्स मिलेंगे, डिज़ाइंस और कलर प्रिंट्स काफ़ी यूनिक हैं, प्लस इनकी क्वालिटी भी अच्छी है। इस वीडियो का थोड़ा पोर्शन रात में शूट हुआ है तो हो सकता है आपको कलर्स ठीक से विजिबल ना हो। फिर आते हैं फुटवेयर्स पर, तो इस पूरी लेन में आपको 200 और 250 रुपीज़ की रेंज में काफ़ी अच्छे और स्टाइलिश फुटवेयर मिलेंगे। इस लेन की लोकेशन भी मैं आपको एंड में बताऊँगी। इस लेन में आपको सारे स्टॉल्स में ऑलमोस्ट फुटवेयर्स ही फुटवेयर्स मिलेंगे लेडीज़ के, चाहे वो हील्स हों या फ्लैट्स हों, प्लस इनकी क्वालिटी भी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि 200 में है तो क्वालिटी लो होगी, डिज़ाइन वाइज और क्वालिटी वाइज फुटवेयर काफ़ी अच्छे हैं। इस लेन का कलेक्शन मैं आपको फर्स्ट टाइम दिखा रही हूँ, लास्ट जितनी भी वीडियोज़ आपने करोल बाग की देखी उसमें यहाँ का कलेक्शन बिल्कुल नहीं है, बिकॉज इस लेन के बारे में मुझे भी फर्स्ट टाइम ही पता चला है। और यहाँ पर आपको बच्चों के लिए भी फुटवेयर्स मिल जाएंगे, और ज़्यादातर शॉप्स तो वैसे मंडे को क्लोज रहती हैं, लेकिन इस लेन में कुछ शॉप्स हैं फुटवेयर्स की जो मंडे को भी ओपन रहती हैं, और उनके आगे स्टॉल्स भी लगते हैं। और बात करें अगर बॉयज़ के फुटवेयर की, तो मेन करोल बाग लेन में अजमल खान रोड पर आपको अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा, लेकिन इस लेन में लेडीज़ फुटवेयर का कलेक्शन ज़्यादा है। और सिर्फ हील्स फ्लैट्स और जूतियाँ ही नहीं, शूज़ भी आप यहाँ से ले सकते हैं। और स्क्रीन पर जो शूज़ देख रहे हैं आप, ये 350 रुपीज़ में है, इसी में ही 200 और 250 रुपीज़ वाला भी कलेक्शन है शूज़ का। और लोकेशन देख लीजिए, गफ्फार मार्केट का बोर्ड आपको मिलेगा,
फिर उसके बाद आप सेकंड हाफ में आएंगे तो बॉम्बे डाइंग रेड कलर का लिखा होगा फर्स्ट शॉप पर। उस लेन के अंदर आप आएंगे तो फुटवेयर्स का कलेक्शन है जो अभी आपने देखा। फिर मार्केट के एकदम एंड में आएंगे आचार्य गणेश शास्त्री चौक की तरफ, तो यहाँ आपको साकिब भैया का स्टॉल मिलेगा और बर्ड शेप में आपको आइसक्रीम मोल्ड्स मिल जाएंगे, इनके साथ स्टिक भी है और सबके प्राइसेस स्क्रीन पर मेंशन ही हैं। फिर उसके बाद आपको लाइटर मिलेगा 1 ईयर वारंटी के साथ, और लाइटर में एक और भी वैरायटी है सेम प्राइस 100 रुपीज़ में ही। इसी तरह की और भी बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें आपको मिलेंगी और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आपको ऑनलाइन शॉप करना हो तो। और उसके बाद आपको 50 रुपीज़ में वाइपर होल्डर मिल जाएगा। वाइपर को आप कुछ इस तरह से वॉल पर हैंग कर सकते हैं और पिंक और ब्लू कलर के ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन में टूथब्रश होल्डर है। मैक्सिमम 500 ग्राम्स यानी आधा किलो तक ये वेट कैरी कर सकता है। और जेड रोलर गोवा शाह का पैक भी आपको मिल जाएगा ओनली 120 रुपीज़ में। फलिया जो आप हाथ से पील करते थे अब उसका भी सॉल्यूशन है। इसमें आपको एक फिंगर के लिए और एक थंब के लिए कवर मिलेंगे। थंब वाले कवर में ऊपर की साइड ब्लेड है, इससे बीन्स और हरी मिर्च इजीली पील और कट हो जाएगी बिना किसी हैसल के। और आपको डबल साइडेड टेप मिल जाएगा 100 रुपीज़ में। इसे यूज करके आप कोई भी चीज वॉल पर या किसी और सरफेस पर स्टिक कर सकते हैं, जैसे पैक के पीछे भी शो किया है। फिर उसके बाद कलरफुल आइस ट्रे हैं, स्क्रीन पर बस दो ही शो की हैं, लेकिन आपको 80 रुपीज़ में 4 मिल जाएंगी। और चॉपिंग बोर्ड है विद नाइफ 100 रुपीज़ में। और स्टील का 4 लेयर्स वाला इडली स्टैंड आपको मिल जाएगा 150 रुपीज़ में। 120 रुपीज़ ईच में क्यूट एनिमल शेप्स में आपको स्क्वीजेबल और सॉफ्ट हैंड वॉश पैक्स मिल जाएंगे, इन्हें आप रीफिल करके रीयूज कर सकते हैं। और स्मॉल स्मॉल बेबीज के लिए बेदिंग हैट्स हैं, जिससे सोप वाटर और शैम्पू उनके फेस और आइस पर ना आए। और डाइनिंग टेबल कंटेनर सेट आप ले सकते हैं 200 रुपीज़ का। इसमें 2 पिकल जार्स हैं और 2 सॉल्ट और पेपर बॉक्सेस हैं डिसेंट बिल्ड क्वालिटी के साथ। और मल्टीपर्पज़ स्टील बास्केट है, जैसे आप कुछ भी चीज़ फ्राई करना चाहते हैं तो इसमें रखकर भी फ्राई कर सकते हैं और फ्राई होने के बाद एक साथ निकाल भी सकते हैं। इसके अलावा इसमें स्टीम और बॉयल भी कर सकते हैं। और 100 रुपीज़ में एग कटर है, इसमें स्ट्रिंग्स गिवन है जिससे ओनली एग ही कट होता है, अनियंस इससे कट नहीं होते हैं। और आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि करोल बाग में किड्स के लिए कुछ दिखाइए, तो 50-50 रुपीज़ में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए आपको यहाँ बहुत अच्छा कलेक्शन मिलेगा। सारे पीसेस फ्रेश हैं और टॉप्स शॉर्ट्स लोअर शर्ट से लेके आपको यहाँ अंडरगारमेंट्स भी मिल जाएंगे बच्चों के लिए। और न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं 100 और 150 रुपीज़ में। और अगर आपको जीन्स चाहिए जो रिब्ड ना हो, लो वेस्ट और हाई वेस्ट दोनों तरह की आपको यहाँ जीन्स मिल जाएंगी और वाइड लेग में भी है। और कलर्स की बात करें तो ब्लू कलर में काफ़ी सारे शेड्स हैं और उसके बाद ब्लैक है, ग्रे है। करोल बाग मार्केट में ज़्यादातर स्टॉल्स जीन्स के इसी तरह के हैं, यानी कि आपको रिब्ड जीन्स काफ़ी कम स्टॉल्स पर मिलेगी। और क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी वाइज अच्छे हैं। एक दो बार मैंने भी यहाँ से जीन्स ली है तो इन जीन्स का जो फैब्रिक होता है वो काफ़ी स्ट्रेचेबल होता है और बिल्कुल भी हार्ड डेनिम नहीं होगा। और 200 रुपीज़ में आपको काफ्तान का कलेक्शन मिल जाएगा। सेम यही स्टॉल मैंने आपको पहले भी अपनी बाकी वीडियोस में दिखाया है। पहले ये प्राइसेस कम हुआ करते थे, 180 रुपीज़ था पहले इनका प्राइस, अब 200 रुपीज़ है। और इसमें साइजेस भी मीडियम टू लार्ज हैं। ग्लैमर बुटीक के सामने ही ये 5-6 स्टॉल्स लगते हैं 200-150 रुपीज़ वाले। इसमें ज़्यादातर आपको लार्ज साइजेस मिलेंगे और इन्हें आप ऑफिस में या कोचिंग में कैरी कर सकते हैं। और फैब्रिक क्वालिटी इनका अच्छा होता है। करोल बाग में ऐसे बहुत ही कम स्टॉल्स हैं जहाँ पर आपको यूज्ड चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि वो आपको 20 और 30 रुपीज़ में मिल जाएंगी, लेकिन इस तरह के टॉप्स हमेशा आपको फ्रेश पीसेस ही मिलेंगे। और आगे से पैचवर्क वाली भी आपको शॉर्ट कुर्तीज़ यहाँ मिल जाएंगी। फिर आ जाते हैं शॉर्ट्स पर, तो आपको कॉटन शॉर्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन साइजेस इनमें स्मॉल और मीडियम ही हैं। सब में आपको पॉकेट्स मिलेंगी बोथ साइड्स। और ऊपर की तरफ नाइट सूट हैं जो आपको 200-300 रुपीज़ की रेंज में मिलेंगे।
और अगर आपको स्मॉल साइज में टीज और शर्ट्स चाहिए, 160 रुपीज़ वाला जितना भी कलेक्शन है ये सारा स्मॉल साइज में है और इनमें आपको क्रॉप टॉप्स भी मिल जाएंगे। और इस तरह के पफ्ड स्लीव्स वाले टॉप्स आपको दिल्ली के बाकी फेमस मार्केट्स में 250 रुपीज़ तक के मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे यही कलेक्शन 160 रुपीज़ का है। और फिर उसके बाद वुडन वॉल हैंगिंग्स हैं, ये सारे 150 रुपीज़ ईच हैं। इनमें आपको बहुत सारी शेप्स मिलेंगी और इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के इंस्पायरिंग कोट्स हैं और गिफ्टिंग पर्पस के लिए बेस्ट हैं, क्योंकि इनमें आपको मदर से रिलेटेड, ब्रदर से रिलेटेड और सिस्टर से रिलेटेड भी काफ़ी सारे वॉल हैंगिंग्स मिल जाएंगे। और 250 रुपीज़ का इलेक्ट्रिक डिफ्यूज़र आपको मिल जाएगा। अगर अरोमा ऑयल चाहिए तो 50 रुपीज़ का अलग से लेना पड़ेगा, और साथ में 200 वाला भी डिफ्यूज़र है। और फिर आपको शूज़ का कलेक्शन मिलेगा। अच्छा, ये जितने भी शूज़ आप देख रहे हैं सारे 300 रुपीज़ ईच हैं और स्पोर्ट शूज़ हैं बोथ गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, और ये सारे ब्रांड न्यू हैं। इस तरह के आपको और भी स्टॉल्स मिल जाएंगे करोल बाग मार्केट में ही। 300 रुपीज़ वाला भी कलेक्शन है और 350 रुपीज़ वाला भी कलेक्शन है। और जेंट्स के लिए फॉर्मल शूज़ हैं, पार्टी वियर शूज़ भी इन्हीं में आपको मिल जाएंगे और प्राइसेस भी सेम है, 300 रुपीज़ ईच। और बार्गेनिंग भी हो जाती है यहाँ पर। 300 रुपीज़ वाले शूज़ आप 250 या 270 रुपीज़ में ले सकते हैं। तो गाइस, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।